नमस्कार मित्रों, मैं हूं जितेंद्र अतकरे, बीसीएन न्यूज पांडुर्ना में आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार सुबह एक बड़ी खबर रेलवे स्टेशन पांडुर्ना से आई है। यहां चलती ट्रेन में एक महिला को प्रसव पीड़ा उपरांत एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया है। रेलवे कर्मियों की मदद से उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। देखिए बीसीएन की यह रिपोर्ट। शुक्रवार सुबह रेलवे स्टेशन पर अचानक रुकी दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला को चलती ट्रेन में प्रसव के बाद उतारा गया। महिला को यहां से सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों की भीड़ लग गई थी। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 2792 में अपने परिवार के साथ सवार चांदनी पति संतोष साहनी, जो समस्तीपुर से सिकंदराबाद की यात्रा कर रही थी, को देर रात इटारसी के पास प्रसव पीड़ा होने लगी थी। इस दौरान महिला ने बैतूल इटारसी के बीच स्वस्थ बालक को जन्म दिया। परिवार ने ट्रेन के टीटी को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद पांडुर्ना रेलवे स्टेशन पर 9:15 बजे ट्रेन रुकी। प्रसव उपरांत महिला और बच्चे को रेलवे स्टेशन के जीआरपी पुलिस अमित शिवहरे और स्टेशन पर कैंटीन का काम करने वाले संदीप इंदोरकर व अन्य रेल कर्मियों की मदद से सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। यहाँ चिकित्सकों ने जच्चा और बच्चा दोनों के सुरक्षित होने की बात कही है।